हेलो गाइस वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच आई एम रोशिश सोनी गोइंग टू एक्सप्लेन यू आर टूडे द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके शेल स्टार्ट बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है सबसे बेसिक फार्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड जो क्या होता है एक ट्राइंगल का बेस और उसकी जो हाइट होती है उससे मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है दूसरा हमें पढ़ हमने पढ़ा है हीरोस फार्मूला हिरोस जो कि आप सोचोगे याद नहीं है याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं यहाँ लिखने वाली हूँ वो क्या होता है एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी ओके okay? और एस फाइंड होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री ओके सॉरी सॉरी थ्री नहीं अपॉन टू ओके और अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि हमें थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला हमें आज नया मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए वो है हाफ़ मल हाफ मल्टीप्लाई बाय किससे एक्स वन मल्टीप्लाई बाय वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू मल्टीप्लाई बाय वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई वन माइनस वाई टू फॉर्मूला बड़ा है बट बहुत ईजी है हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके कॉर्डिनेटर एक्स वन एक्स बाई वन ये हो गया एक्स टू वाई टू ये एक्स थ्री वाई थ्री इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो बेसिकली इस फॉर्मूले से करेंगे तो हाइट फाइंड करना पड़ेगा हाइट फाइंड करेंगे और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इससे नॉर्मली हम कर लेते हैं एक्स वन हो गया ये वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू तो वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री देन वाई वन माइनस वाई टू मतलब जो एक्स एक्स वाली जो पोजिशन ले रही तो उसके जो उसके साथ वाला पॉइंट जोड़ के दोनों अपोजिट वाले बाएं वाले, वाले लेने हैं हमें ठीक है चलो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर टू एंड थ्री माइनस वन एंड ज़ीरो टू एंड माइनस फोर सो ये हो गया एक्स वन वाई वन ये हो गया एक्स टू वाई टू ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री और हमारे पास फार्मूला ही है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ओके गाइस ठीक है तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं एक्स वन क्या है टू बाई टू क्या है जीरो माइनस माइनस का फोर प्लस एक्स टू है माइनस का वन वाई थ्री है हमारे पास माइनस का फोर बाय वन है माइनस थ्री प्लस एक्स थ्री है टू बाय वन है थ्री माइनस बाई टू है जीरो ओके हाफ इसको सॉर्ट आउट करें माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस तो फोर मल्टीप्लाई टू एट प्लस माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन सेवन प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स ओके ट्वेंटी वन अपॉन टू इट मीन्स टेन पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यों क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और इधर हमें यूनिट दी नहीं हुई है कि सेंटीमीटर में मीटर में या किस में ओके okay गाइज अब इसका हम दूसरा टाइप लेते हैं उसमें क्या है हमारे पास कि हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है मतलब या तो x का कोई x1 x2 x3 या y1 y2 y3 तीनों इन छह में से एक का पॉइंट फाइंड करना है ठीक है जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है निम्नलिखित में से प्रत्येक सॉरी निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरखी हो इट मीन्स इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर बीच द पॉइंट्स आर को लिनियर मतलब हमें गिवन है कि पॉइंट्स को लिनियर है और हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है कोलिनियर मतलब ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे है ओके okay? सो so, हम फॉर्मूले में वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री बाय वन माइनस बाई टू और जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये है तो ये सारी वैल्यू किस के इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के सो ज़ीरो इज इक्व टू हाफ एंड देन इसमें वैल्यू पुट करते है. ये हो गया एक्स वन बाई वन ये हो गया एक्स टू बाई टू ये हो गया एक्स थ्री बाई थ्री सो एक्स वन है अपने पास सेवन वाई टू है वन माइनस बाई वन है के प्लस एक्स टू है फाइव बाई थ्री है के माइनस एंड माइनस का टू प्लस एक्स थ्री है थ्री बाई वन है माइनस का टू और बाई टू है माइनस वन ओके सॉल्व करते हैं इसको ये टू इधर डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो गया ठीक है फिर इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं सेवेन माइनस सेवन के प्लस फाइव के माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई टू टेन माइनस सिक्स एंड माइन सॉरी ये हो गया माइनस का थ्री और ये हो गया माइनस का सॉरी कोई बात नहीं माइनस थ्री ठीक है देन के वाला टर्म साथ में तो माइनस सेवन के प्लस फाइव के तो माइनस का टू के ये हो गया अपने पास प्लस प्लस सेवनटीन माइनस का नाइन सो माइनस टू के और ये हमारे हो गया एट इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं टू के इक्वल टू एट के इक्वल टू फोर सो हमारे के की वैल्यू आ गई फोर मतलब बाई थ्री हो गया हमारे पास फोर बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत ईजी है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है ओके okay, अब हम इसका एक अनदर टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसके चांसेस कम है कम तो नहीं है आ सकता है बट जो आगे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए वो ज़्यादा क्वेश्चन आने की रहता है ये क्वेश्चन किया हमारे पास अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है एक थर्म थी कि जो मीडियन होती है ट्राइंगल की लेट इट बी ये मीडियन मीडियन होता है जो ट्राइंगल का वो एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स के एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है तो हमें वेरीफाई करना वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए ए पी और सी ए बी सी तीनों पॉइंट्स के वर्टिसज दिए हुए हैं उसके लिए हमें वेरीफाई करना है कि उसके बीच में अगर हम मीडियन डाल दें तो वो दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहा है या नहीं माधिका त्रिभुज की जो माधिका होती है वो उसे दो इक्वल दो समान भाग में विभाजित करती है ये एक थी जिसे हम अभी प्रूव करते हैं मतलब इस पॉइंट्स के लिए वो प्रूव होती है या नहीं ओके तो सबसे पहले ये हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी ए के पॉइंट्स क्या है फोर एंड माइनस सिक्स बी के पॉइंट से थ्री एंड माइनस टू सी के पॉइंट से फाइव एंड टू ओके मीडियन डाल दिया हमने ये रहा डी तो सबसे फर्स्ट हमें डी पॉइंट फाइंड करना है जो कि हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला से फाइंड करते हैं सो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू इसका एक्स वन ये हो गया थ्री प्लस फाइव अपॉइन टू एंड माइनस टू प्लस टू अपॉइन्ट टू डी के पॉइंट्स हो गए फोर एंड जीरो ठीक है तो हमारे पास ट्राइंगल हो गए ए बी डी एंड ए डी सी या ए सी डी सो हम प्रूव करते हैं फर्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी ओके उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई एक्स वन मल्टीप्लाई वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस वो वाला ही फॉर्मूला लगाना है तो मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ सो फोर माइनस टू एंड देन वाई टू माइनस एक मिनट वाई टू माइनस वाई थ्री तो डी वाला पॉइंट रहना पड़ेगा फोर और जीरो तो ये हो गया माइनस का जीरो प्लस थ्री जीरो माइनस माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस माइनस का टू ओके हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस एट प्लस माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एटीन देन माइनस सिक्स और ये तो प्लस टू हो गया क्या हो गया माइनस का फोर माइनस का फोर हो गया माइनस का फोर मल्टीप्लाई बाय प्लस का फोर तो ये हो गया माइनस का सिक्सटीन ठीक है गाइज तो हमारे पास लास्ट में ओवरऑल इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास बच गया माइनस का सिक्स माइनस थ्री बट हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ओके okay? तो हम इसे खुद ही पॉजिटिव लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट ओके घबराना मत कि माइनस थ्री आ रहा है आप माइनस थ्री को स्क्वायर यूनिट लिख दो तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो ओके एबीटी का निकल गया अब हम निकाल दें ए सी डी फॉर ट्राइंगल ए सी टी उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय फोर थ्री माइनस टू माइनस जीरो सॉरी टू माइनस जीरो प्लस फाइव जीरो माइनस माइनस का सिक्स है प्लस फोर माइनस का सिक्स माइनस का टू ओके सो हाफ ये हो गया एट वो हो गया थर्टी और ये हो गया माइनस का एट मल्टीप्लाई माइनस का थर्टी टू ओके गाइस हाफ मल्टीप्लाई इसको सॉल्व किया तो आ गया सिक्स तो ये थ्री स्क्वायर यूनिट दोनों सेम मतलब आ रहे हैं मतलब ये जो थ्योरम है वो प्रूव हो गए इन पॉइंट के लिए के हैंड्स प्रू बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ही हमें आंसर मिल जाता है ना कुछ प्रूव करने का प्रॉब्लम है ना कहीं से कुछ फाइंड करने का क्वेश्चन समझना लाइक इसमें हमें मिड पॉइंट निकालना था अदरवाइज हम क्या करते हैं कि मीडियम दे रखा है फाइंड करना है इन तीन पॉइंट को लेकर ही कुछ ना कुछ करते और आंसर नहीं मिलता है सो so, जैसे कि आज हमने बोला कि मैथ्स मैथमेटिक्स नहीं मैथ्स मैजिक है मैजिक से लेके पढ़ो बहुत अच्छा पढ़े बहुत अच्छा लगेगा